बालकनी से नीचे देखना। आगे भी तो बोलो। बाइट इधर होगा। इधर आए। ओके। सामने रखना। ये हो गया सर। ये हो गया? अच्छा ठीक है। ओके। किस तरह की यादें हैं आपकी इस फिल्म से जुड़ी हुई? सर किस तरह की यादें हैं आपकी इस फिल्म से जुड़ी हुई? ये बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। किस तरह की यादें जुड़ी हैं? दरअसल अगर मैं शायर होता ना तो मैं इसको कूजे में समंदर को बंद करने की कोशिश करता है। जैसे कहते हैं ना कि एक लाइन में आप जो है अपनी फीलिंग्स को समझाइए, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो आप उसको एक लाइन में समझा नहीं सकते। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिसको आप शब्दों में डाल भी नहीं सकते। तो और ये भी एक फैक्ट है कि फिल्में बन जाया करती हैं और प्यार हो जाया करता है, फिल्में बनाई नहीं जाती। तो दिस फिल्म इज बेसिकली व्हाट आई फील इज़ कि ये फिल्म नहीं थी कुछ। ये जेबी साहब की एक आत्मा की आवाज़ थी, तो वो ऑडियंस ने उसको इमिजिएटली कैच कर लिया, ऑडियंस को बिल्कुल शूट कर गई आत्मा। तो वो आत्मा तो आत्मा जब बात होती है तो वो फिर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ बॉर्डर। मेरी जो फीलिंग्स हैं इस फिल्म के साथ वो ऐसा है कि जैसे एक भगवान राम ने जो सेतु बनाया था ना, सेतु वो वहाँ जाने के लिए श्रीलंका, तो उस सेतु में एक ऐसा मैंने सुना है, बिकॉज़ मैं आई एम नॉट वेरी मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और मैंने इतनी ज़्यादा होली बुक्स भी नहीं पढ़ी हुई, मैं सिर्फ इतना ही सुना हुआ कि श्री राम जी ने जब वो सेतु बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। उसमें मेजर जो है वो वानर सेना थी, लेकिन उसमें जो एक कंट्रीब्यूशन थी वो एक गिलहरी की थी, गिलहरी स्क्विरल की। तो वहाँ से ऐसे मानते हैं लोग कि उसने कहा कि भाई मैंने भी छोटा सा रेती उसमें डाली थी कंट्रीब्यूट करने को, तो देन ही जस्ट ब्लेस्ड दैट गिलहरी ऐसे हाथ। तो लोग कहते हैं इसीलिए जो इंडियन गिलहरी हैं उस पर वो चार उंगलियों के निशान हैं, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में भगवान राम जेबी साहब हैं और गिलहरी जो है वो सुदेश बेरी है। तो व्हाट आई वाज फीलिंग कि आई एम अ वेरी इंट्यूटिव एक्टर। मैं यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लेने भी नहीं आया हूँ। जैसे मैं इस धरती पे कुछ मांगने नहीं आया हूँ आपसे कि भाई आप मुझे ये दीजिए। जैसे अगर आप बोलो कि लॉर्ड साईं बाबा को अगर आप नीचे खड़ा कर दें तो उसको एंट्री भी नहीं मिलेगी शायद फाइव स्टार होटल में, आप समझ रहे हैं। तो मेरी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि गिलहरी की जैसे है कि जैसे जेबी साहब इस सिनेरियो में लॉर्ड रामा है और सुदेश बेरी जो है वो गिलहरी है, दैट्स इट। तो ये मेरी फीलिंग है बॉर्डर जो मेरे को ज़िंदगी में मिली, दैट्स इट। देर वॉज इज वॉज देर एनी विलन? अभी एक हिंदी फिल्म 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ क्रॉस कर गई, वो नेम द फिल्म जो 1,000 करोड़ क्रॉस कर गई। नहीं नहीं, हिंदी फिल्म, मैंने हिंदी फिल्म कहा, उसमें विलन था कोई? था विलन था कोई? फिर तो कोई एंटेगनिस्ट नहीं होता, कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग होती है। वो फीलिंग थी, उसमें एंटेगनिस्ट था पाकिस्तान,
और प्रोटैगनिस्ट था हिंदुस्तान, दैट्स इट, दैट्स इट. बाकी तो सब यू नो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट थे, और बाकी सब जो थे वो एक एक जुनूनी थे. यू नो एक देश नहीं, एक खेत नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम मेहनत कर जब जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे. दैट फीलिंग वॉज देयर, दैट्स इट. कि पूरा देश अगर बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो फिर पाकिस्तान क्या, दुनिया में किसी की कोई हिम्मत ही नहीं कि वो हमारे सामने आके कुछ वो आँख दिखा सके. तो इट वॉज जस्ट ए फीलिंग, देर वॉज नो प्रोटैगनिस्ट, देर वर नो एंटैगनिस्ट. अगर हीरो, अगर आप हीरो और विलन की परिभाषा की बात करते हैं तो हीरो वॉज जेपी साहब, दैट्स इट. रियल हीरो वॉज जेपी साहब, उनके ही उन्हीं ने, उन्होंने कंसीव किया ना, उनका माँ भी वही थे, पिता भी वही थे, और एंटैगनिस्ट तो सामने पाकिस्तान था, दैट्स इट. वही फीलिंग थी, दैट्स इट. जय हिंद, जय हिंद. थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल. प्लीज थिंक ऑलवेज अबाउट द कंट्री. देश खुश, सुदेश खुश. देश खुश, आप खुश, देश खुश, योर फैमिली इज हैप्पी. सो फर्स्ट थिंक अबाउट द कंट्री, नॉट अबाउट योर फैमिली. ओके, लोग बोलते हैं पहले फैमिली का सोचो फिर कंट्री का सोचो. ना, पहले कंट्री का सोचो. जो ये आपको इस यहाँ से ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिली है बॉर्डर की, यहाँ से पता चलता है कि फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट कम्स कंट्री. इफ पीपल से फर्स्ट कम फैमिली, तो मैं बोलूँगा सॉरी, मेरी फीलिंग ये है कि फर्स्ट कम्स कंट्री. देश खुश तो हम सब खुश. थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस. ओके, किसको नहीं होगी मेमोरीज बॉर्डर के लिए, बिकॉज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म आई हैव सीन एंड वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, बेस्ट पेट्रियाटिक फिल्म आई हैव सीन. टुडे ऑल्सो इफ द फिल्म इज बींग शोन ऑन एनी चैनल, वन कांट टेक वन आईज ऑफ. बहुत ही खूबसूरत फिल्म, इट वॉज पेट्रियाटिक फिल्म, बट उसमें जो थोड़े इमोशनल मोमेंट्स भी जो थे, रोमांटिक मोमेंट्स भी जो थे, वो भी बहुत खूबसूरती से दिखाए थे. सो इट्स अ क्लासिक, इट्स अ हिस्टोरिकल फिल्म. माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम बॉर्डर इज ए जाते हुए लम्हों. आई थिंक दैट्स द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म, ब्यूटिफुल. बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी बननी चाहिए. सिर्फ वो सब्जेक्ट को लेके बनाना इज नॉट इनफ, बट द वे इट्स मेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वॉट जे पी दत्ता जी हैज़ डन. द वे इज़ मेड द फिल्म इज, हैट्स ऑफ टू हिम. थैंक यू सो मच, वेलकम.